दोस्तों अगर आप भी कबड्डी मैच में पैसा कमाने आए थे और यहाँ पे आके आपका लॉस हो रहा है, बस आपको एक ही चीज कहूंगा कि आज के इस मैच में पटना वर्सेस दिल्ली के बीच में जो मैच होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको दो ऐसे रिस्की प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो कि आपको ये वाले मैच जिताने वाले हैं, जो कि आपको जिनके ऊपर आप रिस्क लेकर के आसानी से जीएल की टीम में अच्छे खासे रैंक ला पाओगे। स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे खुद की फैंटेसी टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम और चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी आसान भी एकदम फ्री भी रहने वाला है। आगे न ले कबड्डी मैचेस की फाइनल टीम आपको इसी चैनल को मिल जाएगी, तो फ्री में ज्वाइन होना मत भूलना। उसके अलावा क्योंकि जिस भी टीम से मैं अपने पैसे लगाऊंगा वो टीम मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको भेजने वाला हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो मैच है, मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम के जीतने के चांस ज़्यादा है। दिल्ली के पास इस समय जिस तरीके के प्लेयर है ना, सारे के सारे एकदम नए प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने परफॉर्म जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेच्योरनेस वाला किया हुआ है। और दिल्ली के प्लेयर्स इस समय जिस फॉर्म में, मुझे लगता है कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं, जैसा कि मैंने आखिरी वाले मैच में भी आपसे बोला हुआ था। अब पटना की टीम भी इस सीजन में किसी से कम नहीं है, लेकिन आपको मेनली ये कहूंगा ना कि दिल्ली की टीम के परफॉर्मेंस से मैं काफी खुश हूं, और दिल्ली की टीम बिना नवीन कुमार के भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये देख करके मुझे लगता है कि दिल्ली के पास जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो योगेश हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो यहाँ से आसू मलिक हो, चाहे वो यहाँ से मंजीत हो, कोई भी प्लेयर हो, सॉरी चाहे आप यहाँ से देखोगे नवीन कुमार के बजाय यहाँ से मंजीत को खिलाए जा रहे दिल्ली की ओर से, तो चाहे वो कोई भी प्लेयर क्यों ना हो, दिल्ली के सारे यंग प्लेयर हैं, सारे नए प्लेयर हैं जिनका नाम आप ज़्यादा जानते नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे प्लेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि यहाँ से सचिन तनवार आपके लिए एक ज़रूरी प्लेयर रहेगा, जो इस वाले मैच के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी प्लेयर रहेगा पटना टीम का, जिसका नाम है अंकित, जो कि समय आपको लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर नजर आएगा। क्योंकि सामने दिल्ली के पास ना जितने भी रेडर्स हैं, चाहे वो नवीन खेल रहा हो, चाहे वो मंजीत खेल रहा हो, चाहे वो मीतू महेंद्र शर्मा खेल रहा हो, चाहे वो यहाँ से आसू मलिक खेल रहा हो, चार रेडर्स है, चार के चारों जो है राइटी रेडर्स है, यानी कि चार के चारों जो राइट से ही आपको रेड करते हुए नजर आने वाला है, चारों यहीं से जाएंगे। सबसे पहले चारों का सामना एक ही प्लेयर से होगा जिसका नाम है अंकित कैसे, जो कि आपको लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आएगा पटना की टीम की ओर से। तो इस वाले मैच के लिए आपके लिए अंकित सबसे जरूरी प्लेयर रहेगा, क्योंकि सामने दिल्ली के पास मेनली राइट रेडर्स ही घुसे पड़े हैं, जो कि सबसे पहले अंकित जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आएगा इसी के पास आएंगे। उसके अलावा कृष्णन दुल सबसे पहले यहां से आने वाला अंकित के पास, फिर आपको नजर आएंगे यहां से नीरज कुमार के पास, जो कि आपको नजर आएगा पटना की टीम कोर से इस समय कप्तानी भी कर रहा है, यानी कि लीडरशिप भी कर रहा है, और राइट कवर पर भी नजर आएगा कृष्णन दुल, जो कि आपको राइट कॉर्नर पर नजर आएगा। दोनों के दोनों कॉर्नर के प्लेयर आपके लिए हमेशा ही कबड्डी में सबसे जरूरी रहते हैं, क्योंकि कॉर्नर के प्लेयर ना राइट से भी आने वाले रेडर का पीछे से रेड निकाल करके आपको दे सकते हैं, और अगर कोई लेफ्टी रेडर आ रहा है तो वहां से भी आपको आसानी से कृष्णन दुल आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। यानी कि वाले मैच के लिए कृष्णन दुल हो गया और अंकित हो गया, दोनों जरूरी प्लेयर रहने वाले हैं। उसके अलावा यहां से सचिन तनवार को भी लेकर के चलेंगे, जो कि पटना की टीम का सबसे मेन रेडर है, जो कि पटना की टीम की ओर से राइट से आपको रेड करते हुए नजर आएगा। पटना की ओर से सचिन तनवार भी राइट से ही रेड करेगा, मंजीत भी आपको राइट से ही रेड करते हुए नजर आएगा, आर सुधाकर भी आपको राइट से ही रेड करते हुए नजर आएगा। एक ही प्लेयर है जिसका नाम है आर नरवाल, ये आपको लेफ्टी रेडर है, लेकिन इस सीजन में इसको खिलाया नहीं जा रहा है। दिल्ली के पास भी देखोगे सारे के सारे राइटी रेडर्स ही भरे पड़े हैं। नवीन कुमार जो कि नवीन एक्सप्रेस से जाना जाने वाला प्लेयर है, लेकिन इस सीजन में इसको चोट लगने की वजह से कई सारे मैचेस में खिलाया नहीं गया, और आखिरी के दो मैचेस से भी ये नहीं खेल रहा है, तो अभी के लिए मैं इसको लेकर के चल नहीं रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर नवीन कुमार खेल रहा है तो बिना कुछ भी सोचे मैं अपनी टीम में इसको लेकर के चलूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहां पे सोच ही रहा हूं कि मंजीत को लेकर के चल लिया जाए, क्योंकि
क्योंकि अगर मैं दिल्ली के किसी मेन रेडर को देखू ना, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का सबसे मेन रेडर है जिसका नाम है आसू मलिक, जिसने इस पूरे के पूरे प्रो कबड्डी में ना अलग ही परफॉर्म किया हुआ है। पहले लोग इसको एज अ एवरेज रेडर मानते थे, लेकिन इस सीजन में इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ। हर मैच में इसने 6 से लेकर 12 के बीच रेड निकाले हुए हैं, और जब जब इसकी टीम मैच जीती है वहां पर आसू मलिक ने काफी अच्छे रेड पॉइंट्स निकाले हुए हैं, और आसू मलिक ने अलग ही परफॉर्म किया हुआ इस प्रो कबड्डी में, और हर मैच में इसने परफॉर्म करके दिया हुआ है। यहाँ पर तेलुगु के खिलाफ तो काफी अच्छा किया हुआ है। एक बार फिर से मैं इसको लेकर के चलने जरूर वाला हूँ। और रूनी का ऑप्शन है, अगर आप जीएल के कॉम्बिनेशन बना रहे हो या फिर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो, ये दोनों के दोनों का आपको लेकर के चलना जरूरी है। यहाँ पर आपको कोई भी रोटेशन करके चलना नहीं है, इसके अलावा कोई सही प्लेयर है भी नहीं। डिफेंडिंग ऑप्शन में आपके लिए 4 अच्छे प्लेयर रहेंगे, जिसमें नाम है कृष्णन दुल का, जिसमें नाम है आशीष का, जिसमें नाम है योगेश का, जिसमें नाम यहाँ से रहेगा नीरज कुमार का। ये 4 प्लेयर है जिनमें से आपको किन्हीं 3 को लेकर के चलना है। विशाल भारद्वाज को इस समय खिलाया भी नहीं जा रहा है, और जब खिला भी रहे तो ऐसा सब्स्टिट्यूट प्लेयर ला रहे। लेकिन अगर विशाल भारद्वाज दिल्ली की ओर से ना अगर ये प्लेइंग 7 में खेल रहा है तो आप इसको लेकर के चल सकते हो, क्योंकि अगर ये खेलेगा तो ये सबसे मेन पोजीशन यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आएगा, और लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर सबसे जरूरी रहेगा। तो अगर विशाल भारद्वाज को खिलाया जा रहा है तो मैं इसको लेकर के चलूंगा जरूर, लेकिन इसको इस पूरे सीजन में ज्यादातर मौकों पे खिलाया ही नहीं गया है। तो इस समय आपको लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आ रहा है जिसका नाम है आशीष। आशीष ने इस सीजन में अलग ही परफॉर्म करके दिया हुआ है, ज्यादातर मैच में इसने कमाल का परफॉर्म किया हुआ। अगर आप शुरू के 2 मैचेस को निकाल लो तो उसके बाद किसी भी मैच में इसने खराब किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पटना की टीम की तरफ से भी देखोगे ना, तो यहाँ से जितने भी प्लेयर्स हैं सारे के सारे राइट से ही आपको रेड करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि दिल्ली के भी आपको जो प्लेयर लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आएगा ना, क्योंकि राइट से जब रेड होगा तो सबसे जरूरी प्लेयर रहेगा लेफ्ट कॉर्नर का, जो कि आपको नजर आने वाला आशीष। तो मुझे लगता है कि आशीष भी आपके लिए एक मस्ट पिक रहेगा, आशीष भी आपके लिए एक जरूरी प्लेयर रहेगा। आगे एक और प्लेयर है जिसके ऊपर मैं अपना रिस्क लूंगा, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरे खुद की फैंटेसी टीम से इस मैच में पैसे लगाने का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने वाला है। आगे नए कबड्डी मैच हो गया, बीपीएल मैच हो गया, ये सारे मैचेस की फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम चैनल का आपको फ्री में भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि आपके पास लिंक भेज दूंगा। उसके अलावा अभी के लिए मैं आपको मेनली यही कहूंगा कि आपके लिए सिर्फ 2 ही काम करने को है। एक कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारा भरोसा बढ़ेगा, और दूसरा कि अगर आप हमारे टीम से खेलना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। चलो वापस आओ, सबसे पहले मैं अरुदस में कहूंगा यही दोनों प्लेयर आपके लिए सबसे जरूरी रहेंगे, क्योंकि जो पटना की टीम है इनके पास भी मेनली कौन है, राइट से ही रेड करने वाले प्लेयर हैं। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से देखोगे आशीष, जो कि आपको नजर आएगा लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, योगेश जो कि आपको नजर आएगा राइट कॉर्नर के ऊपर, यानी कि दोनों के दोनों कॉर्नर के प्लेयर जो है ना, दोनों जो कॉर्नर के प्लेयर है वो आपके लिए सबसे जरूरी है। तो ये दोनों प्लेयर को लेकर के चल लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चीज के ऊपर सोचना नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी टीम मैच जीते लेकिन मैच बराबरी का जरूर होगा। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके की टीम बना करके चला जाए, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि दिल्ली की टीम मैच जीतने वाली है, लेकिन मैच फिर भी मैं आपको कहूँगा कि दोनों ऐसी टीमें हैं कि मैच बराबरी का तो जरूर होने वाला है। अब ये चीज़ अलग है कि अगर अगर ये मैच पटना की टीम को जीतना होगा ना, तो वहाँ पर नवीन कुमार भी आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि ये भी आपको राइट कवर के ऊपर नजर आएगा। सामने वाली टीम यानी कि दिल्ली के पास 3 के 3 जो है राइट से रेड करने वाले प्लेयर हैं, तो वहाँ पे नीरज कुमार का भी रोल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सोचने वाली चीज़ ये है कि नीरज कुमार जो प्लेयर है ना, अपने लीडरशिप में उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहा है जितना अच्छा परफॉर्म ये ऐसा प्लेयर किया करता था पहले। अभी के लिए मैं इसको लेकर के नहीं चल रहा हूँ, लेकिन नीरज कुमार के पास पूरा मौका है। आप वहाँ से नीरज कुमार को और यहाँ से अगर नवीन कुमार को खिलाया जा रहा है तो ये दोनों प्लेयर को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। बाकी यहाँ से सुधाकर कोई भी इसके बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन ये
ऐसा प्लेयर जो कि कभी भी आपको 70 से 100 के बीच में फैंटेसी पॉइंट्स ला करके जा सकता है। अब चांस यही है ना कि अगर मंजीत को अगर ज्यादा रेड करने का मौका मिलेगा तो मंजीत आपको अच्छा परफॉर्म कर देगा, अगर सुधाकर को ज्यादा अच्छा रेड करने का मौका देंगे तो ये आपको अच्छा कर देगा। यानी कि पटना के कोच के ऊपर रहेगा कि कौन से प्लेयर को ज्यादा रेड करने का मौका मिलने वाला है ये वाले मैच। अभी के लिए मेनली मैं आपको कहूंगा कि कैप है सचिन तनवार को, वीसी में आसू मलिक को बना करके चल रहा हूं, लेकिन इसमें आप दो चेंज ये कर सकते हो। पहला कि आप यहां से कृष्णन दुल को कैप और वीसी बना करके चल सकते हो, दूसरा अंकित को कैप और वीसी बना करके चल सकते हो। ये दोनों में से कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि ये वाले मैच आपको 100+ पॉइंट्स ला करके जाने वाला है। मेनली मैं आपको कहूंगा कि अंकित और यहां से आशीष को भरोसा करके चलना, ये दोनों प्लेयर के पास सबसे ज्यादा मौका रहने वाले ये वाले मैच। ये दोनों प्लेयर आपको कोई ना कोई आपको 120 के करीब फैंटेसी पॉइंट्स ला करके जाने वाला है। बाकी हमारी जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट पे स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल का आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। आगे नले बीबीएल हो गया, कबड्डी हो गया, ये सारे मैचेस की फाइनल टीम जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा उसकी फाइनल टीम अपने इसी चैनल को आपको भेज दूंगा, तो ज्वाइन होकर के रख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूल जाना।